शाहीन बाग से मैं 200 मीटर दूर हूँ, जनता से बातचीत करने आया हूँ कि वहाँ पर जो रोड ब्लॉक है उसका कुछ दिक्कतें यहाँ पर भी हैं कि नहीं। मैं हूँ नवीन चौहान, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ। शाहीन बाग की तस्वीर तो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन महिलाओं से बात करनी होगी कि आखिरकार वो क्या चाहती है, क्या वो कह रही हैं, क्या उनकी सोच है, क्या कहेंगी आप? शाहीन बाग में सड़क पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गया बंद है, क्या कहेंगी, कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और क्या ये सड़क खाली होनी चाहिए या नहीं? सर, ये सबसे पहले ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शाहीन बाग वाले लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। क्या केजरीवाल सब कुछ क्या सही कर रहे हैं? या बीजेपी हार गई है तो क्या केजरीवाल मजे लेगा? किस चीज़ का साथ दे रहा है केजरीवाल? स्कूल चालू कर दिए इसलिए, या गरीबों का पेट काट दिया इसलिए? मैं कहती हूँ क्या कर रहा है केजरीवाल? आज हम लोगों के पास बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? कहता है बिजली का बिल फ्री कर दिया गया, कहाँ से करा गया? 10 रुपए यूनिट हो रही है भाई, 10-12 रुपए यूनिट हो रहे, किराएदार है, रोज बेचारे गरीब लोग आते हैं, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपने बच्चों को किस तरीके से पाल रहा है, डेली है ये, किसी का कोई अपना मकान नहीं है, सब किराए के मकान में रहते हैं, मजे वो लोग ले रहे हैं, फोकट का रास्ता बंद करके बैठे हैं, और केजरीवाल का कहते हैं कि हाँ जी केजरीवाल सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है? 500 रुपए दे रहा है, 500 रुपए हमसे लेकर जाओ, हम मेहनत की दे रहे हैं, और आधे घंटे का मौका देते तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये कहते हैं ना बार बार कि हम पाकिस्तान वालों के साथ ऐसे कर देंगे, और हिंदुस्तान कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सब केजरीवाल का है, सब केजरीवाल का है भाई, केजरीवाल का है, गरीबों को मार रहा है केजरीवाल गरीबों को मार रहा है। आप कह रहे हैं कि जो शाहीन बाग में धरना चल रहा है वो केजरीवाल की वजह से? हाँ, केजरीवाल की वजह से हो रहा है। पैसे दे रहे यार, खुलेआम बिरयानी खिला रहे, खुलेआम सब कुछ तो खुलेआम कर रहा है वो, करके भाषण जो चौधरी बन के भाषण देते हैं, चौधरी देके भाषण से कुछ नहीं होता, गरीबों के साथ रह के देखो तब पता चलता है कि चीज क्या होती है और रहना किसको कहते हैं, इस तरह से नियोन ना होता है। हमारा नोएडा में हमारा आना जाना लगा रहता है, हर रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, हर एक इंसान ड्यूटी करना जाता है। अबे शाहीन बाग का रोड बंद हो रहा है, नहर का रोड बंद हो रहा है, तुम्हारा जे कॉलोनी का रोड तुमने बंद कर रखा, तो इंसान जाएगा कहाँ से भाई? गरीबों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए वो 50 चक्कर लगा रहे हैं भाई, 50 चक्कर लगा रहे फिर भी नौकरी नहीं है। मुसलमानों ने हद कर दी हमारी, मुसलमानों ने हमारे, जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए जाते तो हमें कहते हैं कि जी नहीं है, मैं खुद जाती हूँ, मुझे 1.5 साल हो गए जॉब ढूंढते, क्या केजरीवाल देगा मुझे जॉब लाके? नहीं देगा। बीजेपी वायदे में, बीजेपी जब से आया है हमारा देश ओके है और आज भी है और हमेशा रहेगा, जिसके केजरीवाल के में दम है ना, जितना लगा सके लगा लो, मैं इतना कहूंगी, जितना दम हो केजरीवाल में लगा लो, जितना दम हो। वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया दिल्ली के लिए और लगातार राजनीति बीजेपी करती रही इस मुद्दे पर, शाहीन बाग के मुद्दे पर। सर, आपके लिए सही क्या है? शाहीन बागों वालों के लिए सही क्या है? ठीक है, जिनका खुद का मकान है उनके लिए सही क्या है? जो हम गरीब इंसान है ना, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। बिजली का बिल बढ़ा दिया है, सिलेंडर पहले 700 का आता था, अब 950 का सिलेंडर आ रहा है, चीनी पहले 40 रुपए की थी या 35 रुपए की थी, आज वो 55 की आ रही है। क्या कर रहा है केजरीवाल? कहाँ सो रहा है? झाड़ू की देश की सफाई करते करते वो तो इंसानों की सफाई करवा रहा है, मैं कह रही हूँ। अब तो जीत हो गई उनकी, 62 सीटें मिल गई, 62 मिल गई हो चाहे 64 मिल गई हो, कल का आने वाला रोएगा बैठ के, इतना कहते हैं। जो गरीब लोग इंसान जो गालियां दे रहे हैं ना, खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी जरूर लगेगी, ये याद जरूर कहूंगी, और इतना जरूर कहूंगी कि जितना हो सके ना, जितना जल्दी से जल्दी वो शाहीन बाग रास्ता क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के हिंदू है, ठीक है, ये रास्ता बंद नहीं करवाता ना सर, तो शायद गरीबों का पेट नहीं कटता, आराम से चैन से अपनी फैमिली के साथ रह सकता था, आराम से अपनी फैमिली के साथ इंसान कमा के खा रहा था, ठीक है ना? क्या नौकरी दे सकता है केजरीवाल? जीत गया है, जीत के क्या मिला? 5 साल के लिए उसने बोल दिया फ्री है, 5 साल के लिए क्या बसें रुक रही है? बसें रुक रही है, कोई कह सकते हैं बसें रुक रही है? बसें रुक रही है? नहीं रुक रही है, बसें नहीं रुक रही, स्टॉप नहीं रुक रही है भाई। हम खड़े होके आते हैं, हम जॉब ढूंढने जाते हैं, लाजपत नगर मैं खुद जाती हूँ, नेहरू प्लेस मैं खुद जाती हूँ, कल
यहाँ अपना 37 पे मैं खुद जाती हूँ, 37 का तो है नहीं, घुमा के लाश पत्थर से निकल गया। ठीक है, नहीं रुकती लेडी से कहेंगी। बताइए, मैं एक स्टूडेंट हूँ खुद, एक मेरी क्लास में मानते केजरीवाल ने स्टडी अच्छी कर दी है, बस स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो स्टडी का क्या करेंगे। मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स जो शाइनबाग से आती हैं, बेचारी आ ही नहीं पा रही हैं 2 महीने से, कितनी क्लासेस मिस हो रही हैं। अब एग्जाम स्टार्ट हो गए, क्या करेंगे बच्चे, एग्जाम में क्या लिखेंगे। स्टडी अच्छी करवा दी है मानते हैं, पर जब बच्चों को स्टडी ही नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या बच्चे उनका। कम से कम अब मानते हैं वहाँ पे हो गया है काम, चलता है काम, पर केजरीवाल जब वहाँ का कुछ कर तो सकता है ना, कुछ तो रास्ता खुलना चाहिए। जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जाने जा पा रहे वो स्कूल जाए। कितना मिस हो रहा है, आगे का फ्यूचर है हम लोग, कितना मिस हो रहा है हम लोगों का। अब कितना कंटिन्यू कर पाएंगे बच्चे, अब एग्जाम है हम लोगों के, अब वहाँ पर रास्ता कितना बंद हो गया। अगर केजरीवाल चाहे तो खाली करवा सकते हैं, पर नहीं, क्यों खाली करवाएंगे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो हम लोगों को हो रहा है। अगर वो फील करेंगे तभी तो कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, जब वो फील ही नहीं कर रहे हैं तो उनको कुछ फील करवाना पड़ेगा हमें। और प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे, जो वो प्रोटेस्ट कुछ सही मतलब तो होना चाहिए यार। जो NRC हो रहा है उसमें क्या बताया गया है कि दिल्ली जो हम लोग भारत के लोग हैं उनसे कोई उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, जो भारत के नहीं है उनको भारत से सिर्फ निकाला जाएगा। अच्छा, आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी जो शाहीन बाग से वहाँ पर आती होंगी, उनसे आपकी बात होती है, वो क्या कहती है इस कानून के बारे में कि CA क्या है, NRC क्या है, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनके उसके बारे में कुछ बात की, कितनी परेशानी हो रही है, तो क्या बोलती है। वहाँ पे फायरिंग भी बहुत हुई है, उनको खुद निकलते हुए घर से डर लगता है कि कहीं हम लोगों पे कुछ अटैक ना हो जाए। वहाँ जाएंगे चेकिंग होती है लोगों की, गर्ल्स हैं यार, थोड़ा सा में होता है फीलिंग अजीब सी होती है इतने सारे भीड़ में निकलते हुए, तो थोड़ा उस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों का कि स्टूडेंट्स का कितना ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है पढ़ाई का हम लोगों का। स्टूडेंट जो आपकी फ्रेंड्स है वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है बहुत ज़्यादा, बहुत कम आ रही है स्कूल, तंग हो जाती है, रोने लग जाती है कई बार कि अम्मी अबू मना करते हैं कि हमें स्कूल मत जाओ, कि कुछ होना जाए रास्ते में। वो निकलती है सुबह जल्दी और कुछ पता नहीं होता कि घर सही सलामत पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी। आपने उनसे पूछा कि ये जो कानून आया है सही है कि गलत, क्या कहा उन्होंने? बोला कि उन्होंने खुद ने बोला कि हाँ सही है, जो भारत के लोग हैं उन्हें रहने दो। अगर आपका घर है, आप रहते हो उस घर में, अगर आपके घर में कोई लोग आके जमाए, हक जमाए और कहते कि हमारा घर है, तो आप क्या बोलोगे, उनको निकालोगे तो सही ना। अब ये थोड़ा ना कि तुम उनसे पिटपिटा के बाहर निकल जाओगे घर से, अपने घर पे हक करने दोगे उनको। सही है ये, पर एक नियम कानून होना चाहिए। अभी मोदी जी ने कर दिया है, NRC हो गया है, CCA हो गया हमारा, CAA हो गया है, CAR हो गया हमारा, जो हो गया है सारा चीज़ें, उनको समझाना चाहिए कि इसमें किसी का कुछ होगा नहीं। उनको पहले वर्कशॉप्स करवानी चाहिए कि लोगों को पता चले। अब लोगों ने गलत अफवाह फैला दी कि इसमें नागरिकता छीनी जा सकती है, अगर तुम्हारे पास प्रूफ होगा तो तुम्हारी नागरिकता क्यों छीनी जाएगी। बस वाकई देखिए कि स्टूडेंट्स ने बड़ी बात कही, और भी युवा है उनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? अमित। अमित, किस तरह से देखते हैं, बाइक नोएडा की तरफ तो नहीं जा रही? भाई मेरी नोएडा की तरफ तो नहीं जा रही, क्योंकि मेरा जो छोड़ दिया नोएडा जाना, क्या छोड़ ही रखा है मैंने तो वहाँ पे जाना, क्योंकि भाई जाने के लिए आधा एक घंटा लग जाता, दो तीन घंटे लग जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। पर मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो पब्लिक को शायद ये लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा, प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं रहा भाई। अरे अभी सलजी इल्ज़ाम मिला है जो वो था, उसने कैसे नारे लगाए थे, क्या कहा था, चिकन नेक को हम काट देंगे, बीच में से अलग कर देंगे, हिस्सा को ये ले लेंगे, हम यहाँ से हिस्सा लेकर ले लेंगे, मुसलमानों को हिंदुओं को वहाँ से भगा देंगे, यही तो बात हुई थी। वहाँ लगभग जितने भी बैठे थे सब ने इंसान अल्लाह कहा था, किसी ने ये तो नहीं था कि किसी ने नुका था, अरे नहीं तू वो गलत बोल रहा भाई, बैठ जा मारेंगे साले तेरे को, गलत बोल रहा है तू, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला था, सब ने यही बोला था ना इंशाल्लाह। तो यानी कि उनकी सारी मंशा यही थी कि उसको काट ले, पहले धीरे धीरे अपना इलाका बना ले, ऐसे ही है दिल्ली में कर रहे, धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ा रहे, और फिर एक तरफ हिंदू को कर देंगे यार, वही कश्मीरों वाला हाल। हल कैसे निकलेगा इसका भैया? हल तो वही था मोदी वाला हल, NCR CA NPR ये सारे बिल होंगे, और दूसरा ये जनसंख्या नियंत्रण ये जरूर होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा एक ही बेटा हो या मेरी एक ही लड़की हो, मैंने तो ये सोचा था मेरा एक हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, भगवान की दुआ से लड़का है, भगवान की दुआ से लड़की आ जाए, कोई भी आ जाए, एक आ जाए, वो 10-10 करते, हम एक ही करते सारे नॉर्मली जितने भी हो गए, इसके भाई के भी 2 बच्चे हैं, इसका भी एक ही है, हिंदू तो नॉर्मली एक ही कर रहे, वो तो 10-10 कर रहे, अब उनको कौन देखेगा, उनकी जनसंख्या क्या। वो कह रहे हैं कि कानून गलत आया, CAA इसको वापस लेगी सरकार तो हम हटेंगे।
अरे भड़काया काहे को गया, सब भड़काना किसको कहते हैं भड़काना? भड़काना ये सरजी इमाम ने जो बोला वो होता है भड़काना। भड़काना क्या है, भड़काना किसको कहे हुए आप कि भाई नहीं आपको तो ये है गलत तो बोल रहे हो आप कुछ है? उन्होंने तो सीधा चिकन नेक को काटने की बात करी है, और वहाँ जितने भी खड़े थे सारे के सारे ये बोले थे कि हाँ भाई सही इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ होना चाहिए। ये तो आप किस तरह से देखते हैं भाई साहब, नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? ये केजरीवाल। हाँ ये उठा हाथ। क्या नाम भैया? मेरा नाम कुलवंत प्रजा। कहाँ से बैग लपेट आए हो? जॉब से आ रहे हैं अभी। जॉब? हाँ जी जॉब चल रही है। हाँ चल रही है। कि नोएडा जाने वालों की तो गई? नोएडा जाने वाले के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, आश्रम में दो दो घंटे फंसे रहते हैं लोग, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि हल कैसे निकलेगा? हल हल तो अभी सुप्रीम कोर्ट वार्ता कर आए थे, कुछ बातचीत बनी नहीं? अभी बातचीत नहीं बनेगी, यहाँ तो कुछ डंडा ही पड़ेगा तभी लोग हटेंगे, ऐसे प्यार मोहब्बत से तो हटेंगे नहीं। अरे भैया खाना पीना बंद करवा दो, हल अपना आप निकल जाएगा। बिरयानी बटवानी बंद करवा दो, कोई नहीं बैठेगा वहाँ पे। इनका खाने पीने के जो सामान है सब बंद करवा दिया जाए, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। कह रहे हैं यहाँ मर जाएंगे जब तक सीए नहीं हटे। भाई खाना पीना बंद करवा दोगे तो कुछ नहीं पहुंचेगा वहाँ पे, जब लोग उनको खाने पीना नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करने कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? हैं बिरयानी मिल रही है, वहाँ खाने पीने सारा सामान मिला हुआ है, सारी चीज मिलेंगी। आप वहाँ चीज वो हटा दीजिए, उसके बाद देखो अपना फट जाएंगे वो तो, जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो। लोगों ने जाके बात नहीं की? अरे वो वहाँ तक जान देते ना, पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। और यहाँ के जितने लोग हैं सब मोदी की कदर करते हैं, हिंदू तो जितने भी सब मोदी की कदर करते हैं, नहीं तो कभी हट जाते हैं। तो मतलब कदर कर रहे हो? हाँ मोदी की कदर कर रहे हैं हम, मोदी नहीं चाहता कि लड़ाई हो यहाँ पे, नहीं तो कभी